हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। और देखिए स्टूडेंट की ये हमारी 20 मिनट की क्लास है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एटम। एटम में अभी तक हमने आपको पढ़ाया है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो एटम का सबसे पहला मॉडल था बच्चों, समझ में आ रही बात। मैं अपने अकॉर्डिंग यार थॉमसन को सबसे ग्रेट साइंटिस्ट मानूंगा। इन सभी साइंटिस्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, थॉमसन पढ़ेंगे, रदरफोर्ड पढ़ेंगे, नील्स बोर पढ़ेंगे, सेमरफील्ड आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, लेकिन हम इन सभी साइंटिस्ट में सबसे महान साइंटिस्ट मानेंगे थॉमसन को, क्योंकि थॉमसन ने किसी भी चीज़ की शुरुआत की। और शुरुआत करना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, एक नए आइडिया को अपने माइंड में लेकर आकर किसी चीज़ की शुरुआत करना। समझ में आ रही बात। भले ही थॉमसन ने जो बात बताई वो पूरी तरीके से गलत थी, लेकिन थॉमसन ने कम से कम ये तो बताया कि भाई एटम नाम की भी कोई प्रजाति होती है, एटम नाम की भी कोई चीज़ है जिसे हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट कि एटम क्या है थॉमसन के मुताबिक, यानी थॉमसन का मॉडल हम लोगों ने पढ़ा, जिसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। हम लोगों ने उसके फेलियर पढ़े। फिर हम लोगों ने रदरफोर्ड के दो स्टूडेंट थे जिनका नाम था गीगर और मार्सडेन, गीगर और मार्सडेन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा, जिसे किताबों में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट का डायग्राम आप लोगों को समझाया और उसके चार ऑब्जर्वेशन मैंने आपको समझाए। ऑब्जर्वेशन नंबर एक, मोस्टली अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए, गोल्ड की फॉइल को क्रॉस करते हुए बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। लगभग 8% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एक्यूट एंगल से मुड़ गए। इसका मतलब यह है कि एटम के अंदर ज़रूर कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। 1.999 है बच्चों, 1.999% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो ऑब्ट्यूज एंगल से मुड़ गए। इसका मतलब है कि बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है कि एटम के अंदर ज़रूर ऐसा कोई पॉइंट मौजूद है जहां पर एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। और 8000 में एक अल्फा पार्टिकल बच्चों सिर्फ ऐसा था, 8000 में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री के एंगल से मुड़कर वापस आ गया। जिस रास्ते से गया बिल्कुल उसी रास्ते से जाते हुए रुका, रुकने के बाद में वापस आ गया। तो ये पॉइंट तो इस बात को पूरी तरीके से कन्फर्म कर देता है कि एटम के बिल्कुल बीचों बीच, एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस में एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट रहता है स्टूडेंट। ये हमारे गीगर और मार्सडेन के ऑब्जर्वेशन थे। देखो ये जो मैंने आपको बताया है ना कि कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, ज़रूर होगा, वो सेंटर में होगा, ये गीगर के नहीं थे। गीगर ने तो सिर्फ चार बातें बताई थी, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो एक्यूट एंगल से मुड़ जाएंगे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो ऑब्ट्यूज एंगल से मुड़ेंगे, और 8000 में सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस लौट कर आ जाएगा। समझ आ रही है बात आप लोगों को। ये चार ऑब्जर्वेशन हमें गीगर ने बताए थे। बाद में इन्हीं ऑब्जर्वेशन को रदरफोर्ड ने बहुत डीपली स्टडी की बच्चों। रदरफोर्ड ने इन्हीं ऑब्जर्वेशन की बहुत डीपली स्टडी की, और डीपली स्टडी करने के बाद में अपना पूरा मॉडल दे दिया स्टूडेंट, जिस मॉडल को हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। गीगर के बाद हम यही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। हम लोग स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा आप लोग, हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ गीगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। और इस न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो सबसे पहला नंबर आता है बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसे हम लोग बोलते हैं
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहला टॉपिक है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है बच्चों। देखो यार, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये रहा हमारे पास में एटम और ये है एटम का न्यूक्लियस। ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बना ही दिया कि भाई एटम का पूरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में होता है और सेंटर में इतना पॉजिटिव चार्ज रहता है बच्चों। गीगर के एक्सपेरिमेंट से ये बात तो हमने बता ही दी कि एटम का पूरा चार्ज उसके सेंटर में रहेगा और सेंटर में जो चार्ज रहेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी प्लस जेड ई। जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट, जेड का जो मतलब है वो एटॉमिक नंबर से है बच्चों, एटॉमिक नंबर से। और ये जो स्मॉल ई आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ प्रोटोन। चार्ज ऑफ प्रोटोन जिसकी वैल्यू हमारे पास में होती है इतनी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब होता क्या है स्टूडेंट, आप ये देखिए, एक अल्फा पार्टिकल इस रास्ते से चल के आ रहा है कुछ ऐसे। एक अल्फा पार्टिकल इस रास्ते से चल के आ रहा है। अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो वी है। अल्फा पार्टिकल आता है, ये वो वाला अल्फा पार्टिकल है बच्चों जिसे हमने 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल का नाम दिया है कि वो अल्फा पार्टिकल सीधा आएगा, एक पॉइंट पर आकर रुकेगा और रुकने के बाद में जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा। समझ आ रही बच्चों बात? ये वो अल्फा पार्टिकल है जिसे हम लोगों ने कहा है 1 in 8000। 8000 में से वो जो एक वाला अल्फा पार्टिकल था ना बच्चों, वो है हमारा ये 1 in 8000। 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, न्यूक्लियस से पहले रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर होता है इतना चार्ज प्लस 2e। अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है ना स्टूडेंट, वो होता है प्लस 2e। न्यूक्लियस पे चार्ज होता है प्लस के ZE। अब दोनों के बीच में काम करेगा रिपल्शन और रिपल्शन की वजह से ये अल्फा पार्टिकल यहाँ रुकेगा और यहीं से पीछे लौट जाएगा। हम ये कहते हैं स्टूडेंट कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर से जितना पहले रुका है, ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के सेंटर से जितना पहले रुका है उसी को हम लोग नाम देंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो कितना पॉजिटिव चार्ज है? प्लस 2e। न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है? न्यूक्लियस पर चार्ज है स्टूडेंट प्लस ZE। न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस ZE। अल्फा पार्टिकल का चार्ज है प्लस 2e। अब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से पहले यहाँ रुकता है और यहीं से पीछे लौट जाता है। अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से पहले, न्यूक्लियस से जितना पहले रुकेगा उसी डिस्टेंस को हम नाम देंगे बच्चों डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या बच्चों, ठीक है। अब हम इसकी डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या, ठीक है। अब आप देखिए बच्चों, जब ये अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा था तो उस समय इसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी इतनी, हाफ एम वी स्क्वायर। समझ आ रही बात? जब ये अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा था तो उसके उस समय भाई हमने माना अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो m है, अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा है, अल्फा पार्टिकल की स्पीड है v। जब कोई बॉडी चल के आती है तो उसके पास में ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी होती है। कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर। और जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ आकर रुका ना बच्चों, अल्फा पार्टिकल की सारी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। देखो, न्यूक्लियस तो अपनी जगह फिक्स है ही, अल्फा पार्टिकल यहाँ आकर रुक गया, यानी इन दोनों के बीच में काम करेगा रिपल्शन और जहाँ फोर्स काम करता है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं बच्चों, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में पढ़ी। यानी अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ आकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई बच्चों।
यहाँ आकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यहाँ थी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पहुँचकर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये 1/4πε0Q1 × Q2/R। याद करिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ये बता रखा है बच्चों। चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे। हमारे पास में बनेगा 1/2mv² = 1/4πε0 Q1। Q1 क्या है भैया? Q1 है अल्फा पार्टिकल का चार्ज। कितना है अल्फा पार्टिकल का चार्ज? 2e। Q2 क्या है? Q2 है न्यूक्लियस का चार्ज। कितना है न्यूक्लियस का चार्ज? न्यूक्लियस का चार्ज है Ze और इनके बीच का गैप है R0। इनके बीच का जो गैप है वो है R0। समझ में आ रही बच्चों बात? हमें निकालनी है R0 की वैल्यू। R0 निकालने के लिए स्टूडेंट ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। हमारे पास में बचा Ze² 4πε0 mv². लो भैया ये बन चुकी है हमारे पास में R0 की वैल्यू बच्चों। R0 = Ze² ये 4 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 4 हम लोगों ने गलती से लिख दिया है, πε0 mv², ये हमारी R0 की वैल्यू बनेगी। Z क्या है? Z है इस एटम का एटॉमिक नंबर। भाई अगर ये सोडियम है तो 11 है, ये कैल्शियम है तो 20 है, मतलब जैसे जैसे एल्यूमिनियम है तो 13 है, हाइड्रोजन है तो 1 है, यानी जो भी एटॉमिक नंबर रहेगा Z की वैल्यू वो रहेगी। E का मतलब है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, दोनों की वैल्यू सेम होती है। पाई आप जानते हैं, एप्साइलन नॉट भी आपको पता है। M का मतलब है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, Ze² 4πε0 और यहाँ आ जाएगा Ek का मतलब है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। इसे ही हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान रखेगा, इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं और Ek का मतलब है यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तो भाई मुझे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी यार, मुझे क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने आपको बताया था भाई 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी होता है जो सीधा आता है न्यूक्लियस से, जस्ट पहले रुकता है और रुकने के बाद में पीछे लौट जाता है। समझ में आ रही बात? हम उसी अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं। वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से इतना पहले रुकेगा, क्यों रुकेगा? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव में होगा रिपल्शन, इसी रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल रुकेगा और वापस लौट जाएगा। अब हम ये जो जितना पहले न्यूक्लियस से रुक रहा है, न्यूक्लियस से कितना पहले रुक रहा है? R0 पहले रुक रहा है। इस R0 को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने नज़दीक तक पहुंच पाया बच्चों। समझ आ रही है बात? हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे कैसे? हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कुछ ऐसे, जब अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा था तो अल्फा पार्टिकल के पास में थी काइनेटिक एनर्जी 1/2mv². अल्फा पार्टिकल यहाँ आकर रुक गया, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन काम किया, वो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई बच्चों। हमने यहाँ वैल्यू रखी, जो सॉल्व करना था वो हमने सॉल्व किया, एक तो R0 की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास में ये। अगर हम इसे डिवाइड ना करते तो 1/2mv² को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम भी बच्चों दे सकते हैं। तो हमने एक काम किया, ये जो R है ना, R, इस R को तो हम लोग ले गए यहाँ पर और काइनेटिक एनर्जी को ले गए इसके अपॉन में। Q1 की जगह हम लोगों ने रख दिया 2e और Q2 की जगह हम लोगों ने रख दिया Ze, यानी यहाँ हमारे पास में 2 आएगा बच्चों। ओके, ये भी हम लोगों की R0 की वैल्यू है और ये भी हमारी R0 की वैल्यू है। कोई अलग तरीका मैंने नहीं लगाया यार, इसे निकालने का बहुत आसान तरीका है, आप लोग कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आप लोगों को आगे बताते हैं आगे क्या होगा। ओके स्टूडेंट,
तो आप लोग ये देखिए बच्चों कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के हमने दो फॉर्मूले निकाले। पहला फॉर्मूला है जेड ई स्क्वायर पाई एप्साइलन नॉट एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास में आर नॉट का एक फॉर्मूला है और हमारे पास में आर नॉट का दूसरा फॉर्मूला है जेड ई स्क्वायर टू पाई एप्साइलन नॉट और यहाँ आएगा ई के। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। भाई यहाँ पर जो Z है ये है हमारे पास में एटॉमिक नंबर, ओके, जिसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं उसके एटॉमिक नंबर को हम Z का नाम देंगे। बच्चों समझ आ रही है बात? ठीक है, अच्छा E क्या है? E आप जानते हैं कि E की वैल्यू रहती है ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब। ईके का मतलब क्या है? ईके का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये हमारे पास में ईके है स्टूडेंट। यहाँ पर एम का मतलब है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके, एम है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वी है स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। वी है हमारे पास में स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझ आ रही बच्चों बात? अच्छा अब आप देखो, अगर मैं गोल्ड के लिए डेटा पुट करता हूँ, जैसे गीगर और मार्स डेन के एक्सपेरिमेंट में हमने गोल्ड की फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डिंग की थी बच्चों, की थी या नहीं की थी? गीगर और मार्स डेन का एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा, वहाँ हम लोगों ने क्या किया था? वहाँ गोल्ड के ऊपर, जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड की जो फॉइल थी उस पर हमने अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की थी एटम के अंदर का पता लगाने के लिए। अब गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू होती है 79। गोल्ड के लिए जेड की वैल्यू होती है 79। समझ आ रही है बच्चों बात? ओके, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैंने आपको लिखवाई थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जेड की वैल्यू है 79, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इन दोनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करेंगे, भाई जेड मिल गया हम लोगों को 79, काइनेटिक एनर्जी हमें इतनी मिल गई, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोगों को पता है पाई एप्साइलन नॉट, हमें इन सब की वैल्यू पता है। जब हम लोगों ने पुट किया बच्चों गोल्ड के लिए, तो ये हमारा निकल कर आया 10 की पावर माइनस के 14 मीटर। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइए गोल्ड के लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या होगी, यानी गोल्ड के लिए अल्फा पार्टिकल गोल्ड के न्यूक्लियस से कितना पहले रुकेगा और रुकने के बाद में वापस चला जाएगा, वो इतना पहले रुकेगा। अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है ना स्टूडेंट, प्लस 79E, समझ आ रही बात, तो वो अल्फा पार्टिकल यहाँ तक आएगा और आने के बाद में वापस चला जाएगा। ये जो डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही है ये डिस्टेंस हमारी कहलाएगी 10 की पावर माइनस के 14 मीटर गोल्ड के लिए। ये हमारी गोल्ड की कहानी है स्टूडेंट, ओके, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात करेंगे बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच समझ आया होगा, गीगर मार्स डेन का एक्सपेरिमेंट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अभी काफ़ी कुछ मुझे इसके ऊपर बताना है तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना ध्यान से, मैं 20 मिनट से ऊपर नहीं जाऊंगा यार, मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर कोई अननेसेसरी बर्डन पड़े। मैं अपने जो एक घंटे के लिए आप मुझे पैसा दे रहे हैं ना, मैं अपने एक घंटे में ही हूं, उससे बाहर नहीं जा रहा हूं मैं। 40 मिनट की क्लास मेरी फर्स्ट बुक की हो रही है, 20 मिनट की क्लास मेरी सेकेंड बुक की हो रही है और इसी एक घंटे में हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, आप लोगों से कल की क्लास में मुलाकात होगी।